हे गाइस, क्या हो आप सब? आज यार बहुत अच्छा दिन है क्या। मैं बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहा था वो दिन आ चुका है। मैं अपने बालों को स्ट्रेट करवाने जाऊँगा आज, क्योंकि इनकी लेंथ हो चुकी है अब स्ट्रेट करवाने के लिए। क्योंकि और मैं आज अपने भाई को लेकर जा रहा हूँ और एक मेरा फ्रेंड जा रहा है, जो कुतुब मीनार की तरह कुतुब मीनार है, मतलब बहुत लंबा है। और कैप इसीलिए पहनते हैं, मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, मेरे को बहुत अजीब से लगते हैं, मतलब पहले नहीं लगते थे लेकिन अब लगते हैं। शॉप पे आ चुका हूँ जहाँ से मेरे को स्ट्रेटनिंग करवानी है, और जिससे मेरे को करवानी है वो अभी भैया है नहीं, अभी 10 मिनट में आ रहे हैं। देखो यार बाल देखो कितने जामू जैसे हैं, घास फूस उग जैसे। स्ट्रेट करवाएंगे जब, देखना आप सब। स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा दी है और इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगा के रखना है। वैसे अभी 5:15 हो रहे हैं और थोड़ी लुक थोड़ी अजीब सी आ रही है। हाँ, जब सीधे हो जाएंगे तब बढ़िया लगेगा। एक घंटा हो चुका है यार, मेरे बहुत देर हो चुकी है, बहुत बोर हो चुका हूँ, क्योंकि मेज से तो वेट करना तो बहुत भारी काम है। और अभी अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, रूमर्स है, रूमर्स ने एक बात फैला रखी है कि यूट्यूब पे अब 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 वॉच टाइम पे ही चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले पॉलिसी थी 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच टाइम होने पर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ 10,000 पे कुछ भी नहीं है, सब रूमर्स ऐसी बात फैला रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत ना ले जो भी नया यूट्यूबर है। मैं भी एक टाइम पे उसमें आ गया था, क्योंकि मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी। और बाकी कोई नया यूट्यूबर डीमोटिवेट ना हो तो वर्डिंग में कितनी दिक्कत आती है मेरे, पर नाम से ठीक करूँगा मैं आपको। स्ट्रेट करवाने के बाद, ये स्ट्रेट करना प्रेसिंग मशीन यूज़ होने के बाद एक चीज़ और लगती है, न्यूट्रलाइजर। मतलब जो पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम लगती है उससे बाल होते हैं हल्के, और जो न्यूट्रलाइजर लगता है इससे बाल होते हैं थोड़े, मतलब जो पहले की शेप होती है उसी तरह की पावर आ जाती है। मैंने अभी पूछा है, पहले नहीं पता था मेरे को भी, वैसे यार बहुत गर्म लग रहा है और ये थोड़े से जलन भी मार रहे हैं अभी। खाना कुतुब मीनार, ये अपना कुतुब मीनार है। तुम्हारे भाई के बाल हो चुके एकदम बढ़िया। दिखाओ, ये देखो एकदम स्ट्रेट हो चुके हैं। अरे अभी थोड़े से 3 दिन तक भैया ने बोला कि इसमें पानी यूज नहीं करना है। ये तुम्हारे भैया है, पेवर आए तो करते यार। इन्होंने हमारे बाल स्ट्रेट करे हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन तक पानी यूज नहीं करो बालों में बिल्कुल भी, जिससे इनकी ग्रोथ की कमी हो जाएगी। और
परसों मैं बाल वाल सही करवाने के बाद घर पे आ चुका हूँ। और अभी घर पे आ चुका हूँ क्या है, बहुत देर हो चुकी घर आए, तो कम से कम 4-5 घंटे हो चुके घर आए। और अभी टाइम हो रहा है 1:15 बजे, वो भी रात के। मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ अपना, एंड एंड क्या है जो भी है, लेकिन शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हो गया था काम में। किसी खाना ना खाया, घर पे आया, भूख बहुत तेज लग रही थी। आपको सबको पता है भूख ज़्यादा लगती है, मैं सबको नहीं पता, जो मेरे को जानता है खास उनको पता है मैं भूख ज़्यादा लगती। लेकिन अब मैं डाइट चालू करूँगा। ओ क्या टकराया मुझसे मेरी दुश्मन, भाई दुश्मन नहीं है। मैं कल से इसको इस पर ट्रायल वेट पे रनिंग करूँगा जिससे मेरा वेट लॉस होए और जो भी थोड़े गोलगप्पे जैसे गाल दिख रहे हैं थोड़े कम होए, बाकी कम तो हो जाएंगे। और आपसे एक बात और थी, वो जो रूमर वाली बात थी वो सच है, उसको फॉलो करना है कि कोई डिमोटिवेट ना हो कि मैं 10,000 सब्सक्राइबर कैसे करूँ। बाकी मैं बालों को इग्नोर मारना, अभी सेटअप नहीं हो रहा कुछ भी, ऐसे ऊपर से आगे से खड़े हुए हैं, पीछे पता नहीं, पीछे से बढ़िया है। अभी उन्होंने बोला है बार-बार वाले भैया ने कि 3 दिन तक इनमें पानी नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हवा में हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं जैसे कि बाइक पे नहीं घूमना चाहिए और कोई कैप नहीं पहननी। कैप तो खैर पहननी भी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अब पहननी नहीं, क्योंकि मैंने कैप इसलिए पहनता था क्योंकि मेरे बाल अच्छे नहीं लगते थे। अब मतलब पहले यार, पहले जब छोटा था मैं कर लिए बाल शुरू से, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पहले तो नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी। क्योंकि पहले मतलब पापा मम्मी के भरोसे बाल कटवाते थे, जैसे घर वाले कटवाते थे वैसे चल जाता था, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो मतलब अपनी मर्जी से बाल कटवाने लग गए। और बस समझ सकते हो ना स्टड वाली फीलिंग, जब बच्चे बड़े हो जाते क्या करते हैं, वैसी फीलिंग मेरे साथ है, आप सबके साथ भी होती होगी जो भी मेरी वीडियो देखता हो, जो भी 15 से 25 साल तक के बंदे हैं, 15 से क्या यार 12 साल से मान लो, क्योंकि मैंने तो तब तक मैं 12-13 साल का था जब तक मेरे को मेरे पापा है ही या कोई भी घर से ले जाता था बाल कटवाने के लिए, लेकिन अब मैं तो खुद जाता ही नहीं। और अब जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है फॉलो करना पड़ता है, ट्रेंड का चलना पड़ता है। और यार मैं ना अपने इस हाथ को लेकर बहुत मतलब बहुत वो सोचता हूँ कि मैं क्या क्या मैंने क्या कहा था, बहुत परेशान हो चुका हूँ। परेशान तो इट मीन्स जैसे कि कुछ काम होते, बाइक, आप लोगों को लग रहा हो मैं बिना बाइक के कैसे रहूँ, यार सोच भी नहीं सकते आप, तो सिर्फ सोच सकते हो, लेकिन मैं तो फील अंदर से फील करता हूँ कि मैं जब बाइक नहीं चलाता ना, इन दैट केस मेरा एक वो ना वो है कि मन डाइवर्ट करना है ना मेरे को किसी चीज़ से, तो मैं बाइक चलाऊँ। जैसे कि यार टेंशन ले रहा हूँ किसी भी चीज़ की, अगर मेरे को ख़त्म करनी है तो मेरे को सिर्फ बाइक चलाना। बाइक इज़ द बेस्ट मोटिवेटिंग टूल, मतलब मेरे हिसाब से, मैं अगर बाइक चलाता हूँ मेरे को बाइक चलाना पसंद है, आप सबको पता है। और बाइक चलाने का रीज़न मतलब आपको एक नेचुरल हवा लगती है ना जो बाइक पर चलते वक्त एकदम मज़ा आता है। ये हमारा ऊपर वाला कमरा है, ये जो मतलब ये कमरा खाली रहता है हमेशा, और ये जो कपड़े हैं तो अभी मेरे शाम को उतारे होंगे, शाम कब जो सुखाए थे दिन में तो उतारे हैं इनको, फिर सही से तैयार करके सबकी अलमारी में पहुंच जाएंगे। और ये स्विमिंग पूल है, इसका पंप फट चुका है, ये फट क्योंकि इसका पंप फटा नहीं, सॉरी पंप नहीं फटा, इसका पंप में कुछ दिक्कत आ गई, इसको ठीक करना है उसका, इसको क्योंकि मेरे भाई है छोटा वाला, वो भी व्लॉगिंग करता है, कभी कभार कमेंट रोस्टिंग भी करता है उन लोग की। मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब करना। और उसने भी एक कोई वीडियो शूट करनी थी तो उसके चक्कर में इसने खोला, लेकिन कल से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इसको करेंगे हम। ये हमारी ट्रेड व्हील है जो बहुत टाइम से है, सबसे ज़्यादा मैं ही सबसे सबसे कम मैं ही रनिंग करी होगी मैंने इस पर, क्योंकि मैं को यार मतलब हाँ पहले लग पहले हम सब पतले थे तो घर वाले कहते थे कुछ खाते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं हो, लेकिन हम मोटे हो गए ना, मतलब घर वालों की सही है यार, वो सही कहते हैं, कभी गलत नहीं कहते, मोटे हो गए। अब मोटे हो गए तो खुद से भी फील होता है कि हाँ मैं जो पहले जितनी भाग दौड़ कर लेता था, इधर कूदता था उधर कूदता था, अब तो कूद ही नहीं, अब तो कूद भाई डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पहले तो बहुत कूद मतलब बहुत जितनी मर्जी ऊंचाई से भी डर नहीं लगता था, जो एक लिमिटेड हम कूद सकते हैं, लेकिन अब तो बहुत डर लगता है कि यार नहीं यार ये तो बहुत जगह, जहाँ से मैं पहले कूदा हूँ मैं उस जगह से डर रहा हूँ कि यार नहीं यार। बाकी सेफ रहो, अपनी फैमिली को सेफ रखो, खुद सेफ रहो, कोरोना चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप मत सोच आप ऐसा मत सोचो कि ख़त्म हो चुका है, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इसको सोचना छोड़ दिया है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप डेली केसेस देखा करो, कितने केसेस
कितने केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब डे बाय डे दिल्ली में भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं। बाकी ये जो बाल वाली वीडियो थी मैं चाहता नहीं था बनाना है, लेकिन मैंने बना ली क्योंकि यार व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने सब चीज़ दिखाना पड़ता है यार सब चीज़। और बाकी मैं घर में भी व्लॉगिंग करूँगा आपसे, क्योंकि मैंने 2 दिन से देख रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ कि हम घर में कर सकते हैं, बहुत कुछ होता करने के लिए जो हम दिखाते नहीं है। हाँ अगर मेरी इंस्पिरेशन आप मानो तो मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्विस्ट गौरव तनेजा, सेकंड मुंबई का निखिल। मुंबई का निखिल से मुंबई का निखिल को मैं बहुत पहले से देखता हूँ, लैंग्विस्ट को तो 1 साल या 1.5 साल से। और इन लैंग्विस्ट इन दैट केस अपने घर में ही इतनी सारी कर लेते हैं और हमें वो व्लॉग पसंद आते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम ही वही व्लॉग हम शूट करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, मतलब हमारे अंदर मेरे अंदर से ऐसी ऐसे फील होता है मुझे। आई थिंक शायद वीडियो लंबी हो चुकी है, क्योंकि वो तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा कितनी लंबी हुई कितनी नहीं। चलो यार बाकी बातें अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में मेरे बालों की सेटिंग देखना एक नंबर। बाकी मैंने कैप तो पहनी नहीं है अब तो, मैं आप मेरे बाल देख सकते हो कि मैंने हर व्लॉग में अपने कैप पहन रखी है ना। और बाकी जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। शेयर तो करना ही करना है यार, आप तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक तो आपकी मर्जी है, डिसलाइक करो लाइक करो, मैंने थोड़ी आपका फ़ोन ले रखा, लेकिन सब्सक्राइब के लिए तो भाई आपका फ़ोन भी ले लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कर दो यार। और वो जो साइड में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दे करो यार, वो किसी काम का है, वो किसी मतलब जो यूट्यूब कंपनी है उसने किसी काम के लिए बना होगा यार, किसी बंदों को नोटिफिकेशन चाहिए हो तो दबाने के लिए तो होता है वो, दबाओ उसे यार। नई अपडेट्स के लिए जल्दी जल्दी आप मेरी वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो।